का विवेकनाथ भूतलाली के बाबा का एक दूसरा मंदिर आपकी स्क्रीन पर। और ये देख ये राजनीति गेट और आप लोग को स्क्रीन के सामने जो टिकट चल रहा है आप लोग घर करिए इस तरफ का क्राउड आप देख सकते हैं माशाल्लाह। और इधर देख सकते और इसी के सामने अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफ़ियत से होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज जो है तारीख 6 तारीख 11 महीना 2024 और आज दिन है बुध का। जी हाँ दोस्तों, तो आज जो है हम लोग चलने वाले हैं दरगाह बाज़ार सबसे पहले, और दरगाह बाज़ार से चलने के बाद दरगाह शरीफ आपको लाइव ज़्यारत करवाएंगे। तो आप लोग अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मेरी हमारी एक फ्रेंड है जिन्होंने हमें यह कमेंट किया था कि साहिल भाई हमारे अजमेर शरीफ में जो है दरगाह शरीफ की कव्वाली की वीडियो तैयार करें। तो मैं उनके कहने के मुताबिक ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए भी कर रहा हूँ और उनके लिए भी खास तैयार कर रहा हूँ। तो मेरे चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना। और दोस्तों मैंने सलाम किया है, सलाम का जवाब खास करके देना आप, क्योंकि मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट का। तो दोस्तों इतना ज़्यादा आपका वक्त लेते हुए चलते सबसे पहले दरगाह बाज़ार, वहाँ का माहौल देखते हैं, उसके बाद फिर दरगाह शरीफ का आपको माहौल दिखाते हैं। तो मेरे साथ मेरे वीडियो में कंटिन्यू आप लोग जो है बने रहें। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं आज 6 तारीख का माहौल जो है कुछ इस तरीके का माहौल जो है दरगाह बाज़ार का अभी हाल फिलहाल देखने को मिल रहा है। और टाइम जो है अपने 10 बजे का, 12:30 बजे के वक्त का टाइम है, 12 बजे के वक्त का टाइम है दोस्तों दरगाह बाज़ार का कुछ इस तरीके का माहौल है। तो आप लोग देख सकते हैं और आप लोगों के कहने के मुताबिक अभी हम लोग जो है चलने वाले हैं दरगाह शरीफ के मुताबिक, दरगाह शरीफ के अंदर, और दरगाह शरीफ के अंदर चल के लाइव ज़्यारत जो है आपको दरगाह करवाएंगे। और हमारी जो दोस्त हैं उन्होंने कमेंट किया था, तो उनके लिए खास करके और आप सबके लिए खास करके ये वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ। और अंदर चलते कव्वाली का प्रोग्राम, उनकी खास तमन्ना है कि कव्वाली का प्रोग्राम का वीडियो लो तो साहिल भाई जो है आपका अजमेर से, तो वो जो है आपके लिए ये वीडियो तैयार करा। तो मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा देना दोस्तों, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँचे। तो अभी चलते हैं दरगाह शरीफ के अंदर और उसके बाद आपको वहाँ का लाइव नज़ारा दिखाते हैं। तो मेरे साथ चैनल में आप लोग जो है कंटिन्यू बने रहें। तो दोस्तों तो फाइनली हम लोग जो है दरगाह शरीफ के अंदर फाइनली आ चुके हैं और अभी हम लोग जो है आस्थान हो गए नमाज की तरफ चलने वाले हैं। और वहाँ चल के भी वहाँ पर आपको कुछ नज़ारा खूबसूरत होने वाले हैं। तो दोस्तों मेरे साथ कंटिन्यू और यहाँ का जो है इस तरफ का क्राउड आप देख सकते हैं माशाल्लाह। और इधर देखो फोटी डेक और इसी के सामने दोस्तों मेरे चैनल में आप लोग ने हैं तो चलना बने, अभी चलते हैं आस्थान की तरफ और आस्थान की तरफ चल के वहाँ पर आपको जो है माहौल। तो दोस्तों फाइनली हम लोग जो हैं दरगाह शरीफ आ चुके हैं और आप सभी को दरगाह शरीफ की हाज़री यानी खलीफ नवाज रहमतुल्लाह अली की हाज़री बहुत बहुत मुबारक हो। तो अभी जो है हम लोग इस तरफ बुलंद गेट से जो है हम लोग दरगाह शरीफ के अंदर दाखिल हो रहे हैं। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मंज़र है दरगाह शरीफ का और यहाँ पर जो है साफ़ सफ़ाई का भी जो साफ़ सफ़ाई का जो है ख़ास ख्याल रखा जाता है। और आस्थान शरीफ का ये कुछ माहौल आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है माशाल्लाह, देख सकते हैं आप लोग काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और ज़ाहिरीन ख्वाजा कई सारे इधर लेडीज़ों की बैठने की जगह है और उधर जेंट्स की, उधर अपने संदली मस्जिद आ जाती है, ये सामने संदली मस्जिद है और इधर आप बैठ के फातिहा वगैरह जो है आप पढ़ सकते हैं सरकार रहमतुल्लाह अली के बारगाह में। और यहाँ पर जो है लेडीज़ों की बैठने के लिए ये काफ़ी अच्छी जगह है। और माशाल्लाह गुम्मद गरीब नवाज आपके स्क्रीन पर चल रहा है, आप लोग ज़्यारत करें। और अभी आपको आस्थाने का ज़्यारत करवाते हैं। तो मेरे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें दोस्तों, और मेरी वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को आप लोग शेयर करें और मेरे साथ मेरे चैनल पर कंटिन्यू आप लोग बने रहें। आप लोग देख सकते हैं खास करके और ये सरकार विवेकनाथ भूतलाली के बारवा का एक दूसरा मंदिर आपकी स्क्रीन पर। और ये देख सकते हैं आप लोग की हाज़िरी के लिए माशाल्लाह जो है अभी दिवाली से ही काफ़ी ज़्यादा जो है लाइन बढ़ी हुई है और सुबह के वक्त का ये मौसम है और मंदिर है, देख सकते हैं लाइव नज़ारा आपके स्क्रीन पर। सरकार भूतलाली के बारवा में हाज़िरी के लिए लोग वक्त जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अभी चलते हैं आगे, देखते हैं कव्वाली का प्रोग्राम इधर सामने होता तो अभी जो है इस वक्त नहीं हो रहा कव्वाली का प्रोग्राम, अभी यहाँ पर बंद है क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो चुका है। और आगे देखते हैं आगे कव्वाली का प्रोग्राम रहता है, मैं आप लोगों को कव्वाली का प्रोग्राम लाइव ज़्यारत इंशाल्लाह करवाता हूँ। तो मेरे साथ मेरे चैनल में बने रहें और जिन जिन भाइयों को ज़्यारत करनी थी वो ज़्यारत कर सकते हैं स्क्रीन पर। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त दरगाह शरीफ की साइड का जो है जिस तरफ कव्वाली होती है उस तरफ का जो है माहौल आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह, चारों तरफ जो है माशाल्लाह रौनक ही रौनक है। और सरकार हुज़ूर गंजवाद रहमतुल्लाह अलैह की गुम्मद शरीफ के आप लोग जो है स्क्रीन पर ज़्यारत कर सकते हैं।
माशाल्लाह देख सकते हैं आप कम ज़्यादा खूबसूरत है। और जिन जिन भाइयों के दिल में मुराद है नवाज के सबके दो फैल से सब दूर अता फरमाए सब दिल में हो। अभी चलते हैं इधर और वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा सामने देख सकते हैं आप भीड़ लगी हुई, तो देखते किस चीज़ की भीड़ है और आपको कैमरे के अंदर दिखाते हैं। मेरे साथ मेरे चैनल में आप लोग कंटिन्यू बने रहे और ये लाइन जो है दरगाह का आप लोग देख सकते हैं यहाँ से जो है अंदर के लिए हाजिरी के लिए लाइन जो है बहुत दूर तक जो लगी हुई है। अभी चलते हैं देखते हैं सामने जो है भीड़ किस वजह से हो रही है और क्यों हो रही है उसके बारे में जानकारी आपको देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारी एक फ्रेंड का मैसेज आया था कि आप जो है दरगाह शरीफ में कव्वाली की वीडियो बनाए, तो ये ख़ास वीडियो उनके लिए और जितने भी ज़ायरीन ख्वाजा हैं उन सभी के लिए एक कव्वाली की ख़ास वीडियो आपके स्क्रीन पर चल रहा है और आप लोग देख ही सकते हैं और कव्वाली का लुत्फ उठाएँ और कव्वाली सुन। फाइनली सरकार हुज़ूर नवाज के दरबार में, जी हाँ ये है शाहजहानी मस्जिद और सामने सरकार नवाज की हुकूमत शरीफ, तो ये आपके स्क्रीन पर खूबसूरत मंजर देख सकते हैं। और अभी का माहौल जो देखें ये तकरीबन 11:30 बजे का माहौल है और अभी ऐसे कुछ दरगाह बाजार दरगाह के अंदर जो है रौनक है माशाल्लाह। तो अभी आज ये चलते हैं और जन्नती गेट का आप लोगों को ज़्यारत करवाते हैं और उसके बाद आपके स्क्रीन पर आपसे फिर वापस मिलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके का क्राउड है और यहाँ दोस्तों अभी चलते हैं शाहजहानी मस्जिद का पूरा क्राउड लेके, उसके बाद हम लोग जो है आप लोगों को जन्नती गेट की ज़्यारत करवाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर फूल वगैरह जो है आपको यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ से जो है फूल वगैरह लेके आपके पास खादिम है तो खादिम से आपको लेके अंदर जाकर आप लोग ज़्यारत कर सकते हैं बहुत ही सुकून के साथ। अगर आप लोगों को यहाँ पर जन्नती गेट के सामने बैठना है तो यहाँ पर आप लोग जो है इस जगह पर आप लोग बैठ सकते हैं, बैठ के साथ या सुकून से कर सकते हैं दोस्तों। इस तरीके का माहौल जो है ये क्राउड जो है इस तरीके का है। तो अभी चलते हैं जन्नती गेट, आप लोग ये रहा जन्नती गेट और आप लोग इसके सामने जन्नती गेट चल रहा है, आप लोग ज़्यारत करिए। ये जन्नती गेट है बाबे जन्नत के हम दोस्तों, और देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह ये उसके वक्त में खुलता है और मुहर्रम के वक्त में खुलता है। जी हाँ, अभी उर्स आने वाला है तो जब जब ये दरवाज़ा जब खुलेगा तो इंशाल्लाह मैं आपको मैसेज दे दूंगा यूट्यूब के ज़रिए से, वीडियो के ज़रिए से कि ये दरवाज़ा कब खुला और आप लोग भी उसमें जाने का शरफ हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं और आगे का आपको नज़ारा दिखाते हैं। देख सकते हैं आप लोग इस तरीके का जो माहौल है इस तरीके का भी कराव होगा। लेकिन करिए आप अम्मा जान के बाजार का, जी हाँ हुज़ूर रहमतुल्लाह अली के बीवी के बाजार है माशाल्लाह। और यह ख्वाजा गंज शकर रहमतुल्लाह अली की चिल्ला मुबारक है, यहाँ पर चिल्ला बाबा फरीद गंज शकर शकर रहमतुल्लाह अली के बारगाह का मज़ार है माशाल्लाह। ये यहाँ पर चिल्ला है, यहाँ पर ज़्यारत करिए और यहाँ का सामने का माहौल जो है इस तरीके का आपको अभी के वक्त देखने को मिल जाएगा माशाल्लाह। देखें जो है काफ़ी खूबसूरत। दोस्तों आप लोगों को मैंने सलाम किया है तो सलाम का जवाब आप लोग वीडियो के एंड में ज़रूर दें। और दोस्तों ऐसे ही अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इंशाल्लाह और कोई नया अगर अपडेट आता तो मैं आपको सबसे पहले अजमेर शरीफ के हवाले से दूंगा।